नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉनिश। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां हम आपको मौसम का ताजा अपडेट बतलाने आ गए हैं। राजधानी पटना से लेकर बिहार के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ मौसम मेहरबान होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार राजधानी पटना में बारिश देखने को मिली है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब मौसम सुहावना होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया गया है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। मॉनसून की सक्रियता से सूबे के कई जिलों में 2-3 दिनों से झमाझम बारिश से उमस और गर्मी से काफी राहत दी है। लगातार बारिश और बादलों की छाए रहने से अधिकतम तापमान नीचे आए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसमी सिस्टम के उत्तर बिहार की ओर शिफ्ट होने से सोमवार को राज्य में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। हालांकि पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और अररिया में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि पटना सहित राज्य के शेष भाग में बारिश की गतिविधियां थमने और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में रविवार को मौसम जो है वो साफ रहेगा। वर्तमान में नमी होने की वजह से लोगों ने दोपहर में उमस झेली है। पटना सहित कई जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहे हैं, दिन में छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी राज्य के अन्य जिलों से भी दर्ज की जाएगी। सोमवार को राज्य के अन्य हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मौसम को लेकर ताजा अपडेट बताया गया है कि आज यानी कि सोमवार के दिन राजधानी पटना में भी कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्सों में आज बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन आज से मौसम जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। आपको बताते चलें कि इन दिनों मौसम का हाल जो है काफी ज्यादा बदला नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लगातार 2-3 दिनों तक बारिश हुई है, इस बारिश से बाढ़ के भी आसार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन उन्हें राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए ये बारिश थोड़ी आफत बनते हुए भी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉनिश।